जवाब तेरे जलवे हजार, तेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू यार ना मिले ते मर जावां, जे मैनू प्यार ना मिले, जे मैनू यार ना मिले, जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावां। हर शाम बेबे तेरे ही नाम बेबे, आ तुझे प्यार करूं मैं सरेआम बेबे है इंतजाम। हेलो आर्मी, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आर्मी, ये लव विद एनिमी का पार्ट 2 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हां ये भी बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही होगी तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, वरना इसको यहीं से एंड कर दूंगी। ओके, अब तुम लोगों को प्लान समझ में आ गया ना? एंड हाँ, इससे बहुत रिस्क है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें, वरना अगर उन लोगों ने तुम लोगों को पकड़ लिया ना तो तुम लोग नहीं बच पाओगे, इसीलिए। ओके मैम, हम ध्यान रखेंगे, पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो एक्चुअली आप उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? मतलब वो तो एक बड़े माफिया है और आप एक रिपोर्टर, फिर भी आप उनके बारे में इतना कुछ जानते हो? हाँ मैम, आप जब उनके बारे में इतना कुछ जानते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? अगर आप चलोगे तो और भी आसानी होगी। मैंने जितना तुम लोगों से कहा है बस उस पे फोकस करो, समझी? ये फालतू बातों पे फोकस मत करो। एंड हाँ, बात रही मेरे जाने की, तो मुझे जाना होता ना तो मैं तुम लोगों को नहीं भेजती। ओके, तो अब चुपचाप तुम्हें जाना पड़ेगा और कोई सवाल नहीं। ओके मैम, अब कोई सवाल नहीं करेंगे। वैसे हम दोनों से जाएंगे और कोई नहीं, एक कैमरामैन भी तुम्हारे साथ जाएगा। लिसा, यहाँ का बेस्ट कैमरामैन कौन है? मैम, यहाँ का बेस्ट कैमरामैन है जे हो। हेलो मैम, मुझे बुलाया? देखिए, आपने बस नाम ही लिया और मैं आ गया। बताइए क्या काम है मेरे लिए? तुम भूत हो क्या? जब देखो कहीं से भी टपक पड़ते हो। चलो सब छोड़ो, मैं तुम बताने वाली थी, तुम्हें ना जिमिन और टे के साथ जाना है इनके काम पर, पर एक्चुअली तुम्हें रिकॉर्डिंग करनी है। तुम यहाँ के बेस्ट कैमरामैन हो इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट किया है। ओह, तो मुझे जिमिन और टे के साथ जाना है। ओके फाइन, चला जाऊंगा, उसमें क्या है। एंड हाँ, मुझे मेरी फीस चाहिए। ओके, तुम्हें तुम्हारी फीस चाहिए ना? मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरा काम करना होगा। मैंने जितना कहा है पहले वो करो, उसके बाद मैं तुम्हें एक या डबल फीस दूंगी। ओ, ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझे डबल फीस देने की बात कर रही हो? वैसे जिमिन टे, तुम किस काम से जा रही हो? वो एक्चुअली जे हो, हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस काम में हमारी जान भी जा सकती है या फिर वो लोग हमें कैद भी कर सकते हैं। क्या इतना खतरा? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैम, आप कोई और कैमरामैन चूज कर लीजिए, मुझे मेरी ब्यूटी बहुत ही प्यारी है, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? जे हो प्लीज, अभी नौटंकी करना बंद करो। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है घर, तो तुम लोग चुपचाप जाकर मेरा काम करो, वरना मैं तुम लोगों को नौकरी से निकालने में एक बार भी नहीं सोचूंगी। मैम, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हो? हम लोग तो जाने के लिए तैयार हैं। इसको मनाओ, इस छछुंदर को। क्या कहा तुमने छछुंदर? किस एंगल से लगता हूँ तुम्हें छछुंदर? चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे भी यहाँ पर बेस्ट कैमरामैन तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर मैं मरा ना तो सारा इल्जाम मैं मैम पे डालूंगा, बिकॉज वही मुझे पोस्टली भेज रही है। अगर मैं मर गया तो देख लेना, अगर तुम्हारी नौटंकी हो गई हो तो हम लोग चले उनका मायना कर लें कि वो लोग किस तरीके के हैं और वो हमारी बात सुनेंगे या फिर नहीं, और उनके घर में हमें किस तरीके से एंट्री लेनी है ये भी हमें नहीं पता है। मैंने तुमको घर ही नहीं देखा है, पता नहीं किस तरह का होगा। वैसे मैम, मेरे पास ये वाला कैमरा ले जाऊँ क्या? नहीं, खरीदा है। ये हो
होता है। एंड हाँ, मैं घर जा रही हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे बताना। एंड उस टेबल पे कुछ माइक रखे हैं छोटे से और कुछ कैमरास, तो तुम लोग उन्हें जाकर अपने कपड़े में लगा लो कि ताकि मैं देख सकूँ कि तुम लोग वहाँ पर क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो। ओके मैम, चलो जीवो, चलो पे हम लोग लगा लेते हैं। फिर उसके बाद जब अपने घर चली जाती है और वो तीनों भी रेडी होकर उन तीनों हीरो के घर चले जाते हैं। क्योंकि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी ना, तुमने उस टाइम मेरे साथ ऐसा किया था कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, और तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड ने भी सुसाइड कर लिया था। बट अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं तुम्हें रुलाऊंगी। अब देखो मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे करती हूँ, तुम्हारी एक एक बात न्यूज में छुपाऊंगी और तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। आर्मी, आई नो कि आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि जिन ऐसा क्यों बोल रही है। जिन ऐसा इसलिए बोल रही है बिकॉज उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, तो वो तो आपको मैं आगे दिखाऊंगी, अभी नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो तीनों क्या कर रहे हैं। हे शुभा, आज तो संडे है ना, हम लोग हर संडे को कंपटीशन करते हैं ना, चल करते हैं। अरे जा, तेरा तो हारना लिखा है, क्योंकि तू हर बार हारता है, इस बार भी हार जाएगा। इतनी बार हारा है फिर भी छोड़ ये सब, मुझे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं अपनी टेंशन दूर करने के लिए थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, इसीलिए सब करता हूँ ताकि मैं थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए मेरा। मुझे खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू फिर से हारेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चल कोई बात नहीं, एक बार फिर से हारी हो, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। पता नहीं क्यों आज मुझे लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ खेलने को। ओके तो फिर ठीक है। German production. तेरे वाले रुड़िया तू तो फुल ते मैं टाणी वांगू लाड़ जुड़े।
Drop the app.